हेलो डियर स्टूडेंट्स चैप्टर फोर कॉडेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर स्टूडेंट्स कल के लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज के अंडर में नेचर ऑफ़ रूट्स देखा था और नेचर ऑफ रूट्स यदि हमको क्वाड्रेटिक uh, इक्वेशन के रूट्स का यदि नेचर हमको पता मालूम हो तो हम uh, उस uh, के रूट्स फाइंड आउट करने में हमको आसानी होती है ओके okay? तो इसके बेस पर हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आज यहाँ डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल सेवेंटीन a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular uh, park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates a and b on the boundary is 7 meter is it possible to do so if yes at what distance from two gates should the pole be erected तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है देखेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर थर्टीन मीटर है ओके okay? हमको क्वेश्चन में गिवन है एक सर्कुलर पार्क जिसका डायमीटर थर्टीन मीटर है ओके okay? और उस पार्क में एक पोल फिक्स किया गया है ठीक है वो सर्कुलर पार्क में एक पोल फिक्स किया गया है इस तरीके से कि डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी मतलब सर्कुलर पार्क में दो गेट है ए और बी और वो ए और बी जो गेट है वो uh, uh, कैसे फिक्स हैं डायमीटर के एंड पॉइंट पर डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट मतलब डायमीटर के एंड पॉइंट पे दो गेट ए और बी फिक्स हैं तो ये दोनों गेट से ये जो पोल पी का जो डिस्टेंस है वो दोनों गेट से उसका डिफरेंस हमको सेवन मीटर गिवन है ओके तो क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है कि इस टाइप का सिचुएशन पॉसिबल है क्या इज इट पॉसिबल टू डू सो एंड इफ़ यस यदि पॉसिबल है तो दोनों गेट से कितने डिस्टेंस पे उस पोल को लगाया जा सकता है ओके तो क्वेश्चन हमने क्लियर किया ना सॉल्यूशन अब यहाँ पे देखिए हमने एक सर्कल इन ड्रॉ किया है यहाँ पे एक सर्कल है आ, आ, सर्कुलर पार्क है सपोज और ए बी उसका डायमीटर है थर्टीन मीटर और ए बी ए, ए, ए और बी पॉइंट पे दो गेट्स हैं ओके आ, यहाँ ए और बी पॉइंट पे दो गेट हैं सर्कुलर uh, पार्क पे और यहाँ पी पॉइंट पे बाउंड्री uh, पे एक पोल लगाया गया है ठीक है uh, तो ये इस टाइप की सिचुएशन पॉसिबल है कि हमको पहले डिसाइड करना है और यदि पॉसिबल है तो इसको हमको पोल पी का ए और बी से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ओके फर्स्ट फर्स्ट गिवन दैट डायमीटर ऑफ पार्क थर्टीन सेंटीमीटर दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू गेट्स ए एंड बी थर्टीन सेंटीमीटर ए बी इक्वल्स टू थर्टीन मीटर सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर थर्टीन मीटर लेट द पोजिशन ऑफ पोल एट बाउंड्री एट पॉइंट पी पॉइंट पी बाउंड्री पे पॉइंट पी पोल की पोजिशन है सपोज पोल इस पॉइंट पे लगाया गया है ओके okay? तो हमको गिवन क्या है कि पॉइंट पोल पी का दोनों गेट से डिफरेंसेस सेवन मीटर हैं तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख रहे हैं कि पॉइंट ए से डिस्टेंस पोल पी का ज़्यादा है और बी से कम है तो ए पी इज ग्रेटर देन बी पी सो ए पी माइनस बी पी की वैल्यू सेवन हमको गिवन है ओके ए पी माइनस बी पी सेवन मीटर दिया है और बी पी को यदि हम एक्स्यूम करेंगे बी पी डिस्टेंस को तो ए पी इज इक्वल्स टू सेवन प्लस एक्स मीटर होना चाहिए ओके ना Uh, डायग्राम में देखिए इन डायग्राम ए पी बी ए बी इज डायमीटर देन ए पी बी इज द एंगल ऑफ सेमी सर्कल ये सेमी सर्कल का एंगल है ए पी बी तो ये सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है नाइन्टी डिग्री होता है हमने लास्ट लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि सेमी सर्कल का एंगल नाइन्टी डिग्री होता है तो ए बी डायमीटर ने बनाया हुआ एंगल है ए पी बी तो ये 90 डिग्री होगा ओके okay? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर एंगल ए पी बी इज ए एंगल ऑफ सेमी सर्कल दैट एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्री अब फिर से हम डायग्राम देखेंगे यदि डायग्राम में एंगल पी 90 डिग्री है दैट मीन्स वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस प्रॉपर्टी बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी वी कैन राइट ए पी स्क्वायर ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर ठीक है देन हियर इन राइट ट्रैंगल ए पी बी बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायेयर इजिकल्स टू ए बी स्क्वायेयर दैट मीन्स ए पी की वैल्यू एक्स प्लस सेवन होल स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायेयर इजिकल्स टू थर्टीन स्क्वायर नाव एक्स प्लस सेवन होल स्क्वायर को हम ए प्लस बी होल स्क्यर की आइडेंटिटी से एक्सपांड करेंगे सो एक्स प्लस सेवन होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू सेवन मीन्स फोर्टीन एक्स प्लस सेवन स्क्वायर मीन्स फोर्टी नाइन ओके ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिए इक्वल्स टू थर्टीन स्क्वायर मीन्स वन सिक्सटी नाइन ओके ना वन सिक्सटी नाइन लेफ्ट साइड में हम ट्रांसफर्स करेंगे देन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस फोर्टी नाइन माइनस वन सिक्सटी नाइन इक्वल्स टू जीरो देन टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स फोर्टी नाइन माइनस वन सिक्सटी नाइन माइनस वन ट्वेंटी इक्वल्स टू जीरो सो so, इस इक्वेशन में टू है टू फोर्टीन और माइनस वन ट्वेंटी इसको यदि हम टू से डिवाइड करें तो इक्वेशन हमारा शॉर्ट हो जाएगा देन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस सिक्सटी इक्वल्स टू जीरो तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फॉर्म हुआ है इस इक्वेशन को हम हम फैक्टराइजेशन uh, मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं पर यहाँ हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से क्यों सॉल्व करना है क्योंकि हमको पहले डिसाइड करना है कि uh, ये जो पोल जो हम बाउंड्री uh, पे इस तरीके से uh, जो जो कंडीशन उन्होंने दी है उस कंडीशन से पोल uh, हम इसको लगा सकते हैं कि नहीं तो उसके लिए हमको सबसे पहले सिचुएशन uh, पॉसिबल uh, है कि नहीं ये डिसाइड करना है तो उसके लिए फर्स्ट हम डिस्क्रिमिनेंट uh, टाल के देखेंगे कि यदि रूट्स रियल होंगे तो वो सिचुएशन पॉसिबल है और रियल नहीं होंगे तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है सो so, इसके लिए फर्स्ट हम कंपेयर द इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल्स टू जीरो वी गेट ए इजिकल्स टू वन बी इज इक्ल्स टू सेवन एंड सी इज इक्वल्स टू माइनस सिक्सटी so first we find the discriminant d is equals to b square minus 4ac that means 7 square minus 4 into 1 into minus 60 that means 49 plus 240 uh, which is equals to 289 and 289 is greater than 0 here 289 is greater than 0 that means discriminant d is greater than 0 D की वैल्यू जीरो से ग्रेटर आ गई इसका मतलब है इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट हमारा जो इक्वेशन है वो क्या होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब इस इक्वेशन के रूट कैसे होंगे रियल और डिस्टिंक्ट अलग अलग सो इट इज पॉसिबल टू इरेक्ट द पोल विथ गिवन कंडीशन इसका मतलब है कि जो पोल दिया गया है उसको सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे हम जो कंडीशन गिवन है उसके अंडर में हम उसको फिक्स कर सकते हैं ओके तब फिक्स कर सकते हैं तो उसका हमको डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए आ, वी अप्लाई द कॉर्डेटिक फार्मूला और कॉर्डेटिक फार्मूला इज एक्स इज इक्ल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए तो ये जो हमारा कॉर्डेटिक फार्मूला है उसको हम शॉर्टकट में इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स इज इक्ल्स टू माइनस बी प्लस माइनस डी अंडरवुड बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को हम डी लिख सकते हैं इसलिए अंडर रूट डी लिखेंगे तो भी चलेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू है तो ये शॉर्टकट फॉर्म में हमारा फॉर्मूला हो जाता है नाउ पुट द वैल्यूज एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी मीन्स माइनस सेवन प्लस माइनस अंडर रूट टू एट्टी नाइन बाई टू वन अब अंडर रूट टू नाइन की वैल्यू कितनी है सेवनटीन सेवनटीन का स्क्वायर टू एटी नाइन है सो अंडर रूट टू एटी नाइन इज इक्वल्स टू सेवनटीन देन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सेवन प्लस माइनस सेवनटीन बाई टू ओके okay. तब यहाँ पे हम प्लस uh, uh, एक बार प्लस और एक बार माइनस केस लेंगे प्लस केस लेंगे तो एक्स इक्वल्स टू माइनस सेवन प्लस सेवेंटीन बाई टू दैट मीन्स टेन बाई टू मीन्स फाइव एक्स की वैल्यू फाइव आ गई और यदि हम माइनस केस लें तो एक्स इक्वल्स टू माइनस सेवन माइनस सेवेंटीन बाई टू देट मीन्स ट्वेंटी फोर बाई टू माइनस ट्वेंटी फोर बाई टू दैट मीन्स एक्स इजिकल्स टू माइनस ट्वेल्व एक्स टू माइनस ट्वेल्व रिजेक्टेड वाई रिजेक्टेड बिकॉज एक्स इज द डिटेंस बिटवीन बी एंड पी पोल और पॉइंट बी बी गेट के बीच का डिस्टेंस है एक्स तो और डिस्टेंस कैन नॉट बी इन नेगेटिव फॉर्म सो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व रिजेक्टेड सो वैल्यू ऑफ एक्स इज फाइव देयर फोर डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम गेट बी डिस्टेंस ऑफ पोल पी फ्रॉम गेट बी इज इक्वल्स टू बी पी इक्वल्स टू एक्स मीन्स फाइव मीटर होना चाहिए और डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम पी पोल पी फ्रॉम गेट ए पोल पी का गेट ए से डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए पी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सेवन एक्स प्लस सेवन दैट मीन्स फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व मीटर तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मतलब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको जो सिचुएशंस गिवन है उससे हम पहले क्वारिटी इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उसका डिस्क्रिमिनेट निकाल के हम पहले ये डिसाइड करना है हमको कि इसका रूट्स जो है रियल है कि नहीं यदि रूट्स रियल है तो इस टाइप की सिचुएशन पॉसिबल है और सिचुएशन पॉसिबल है दैट मीन्स देन यू कैन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस ओके तब इसी के बेस पे हमारे एक्सरसाइज के तीन क्वेश्चन हैं हम उसको यहाँ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हु इज ट्वाइस इट्स ब्रिथ एंड एरिया इज एट हंड्रेड मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ ओके फर्स्ट वी डिसाइड दैट लेंथ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो भी एक्स मीटर हम पहले क्या डिसाइड करेंगे कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो की लेंथ कितनी है एक्स uh, मीटर है ब्रिथ uh, सॉरी uh, यहाँ पे लेंथ लिखा है उसको ब्रिथ कर लीजिए लेट द ब्रिट इधर ब्रिथ आना चाहिए ब्रिथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो भी एक्स मीटर ओके ब्रिथ एक्स मीटर है तो हमको गिवन क्या है लेंथ ऑफ ग्रो ट्वाइस द ब्रिथ दैट मीन्स टू एक्स मीटर होना चाहिए ओके okay? hmm? यहाँ पे करेक्शन कीजिए स्टूडेंट्स लेट द लेंथ ब्रिथ ऑफ लेंथ की जगह ब्रिथ कीजिए ब्रिथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो भी एक्स मीटर एंड देन लेंथ ऑफ ग्रो इज़ टू एक्स मीटर हो जाएगा ओके okay? और कंडीशन गिवन है एरिया ऑफ ग्रो एरिया ऑफ मैंगो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो इज एट हंड्रेड मीटर स्क्वायर सो एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रिड इज इक्वल्स टू एट हंड्रेड लेंथ टू एक्स ब्रिड एक्स इज इक्ल्स टू एट हंड्रेड टू एक्स इंटू एक्स मीन्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एट हंड्रेड दैट मीन्स टू से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर हंड्रेड एक्स स्क्वायर इज इक्ल्स टू फोर हंड्रेड मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर हंड्रेड इक्वल्स टू जीरो हमारा क्वाडिटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ फर्स्ट कंपेरिट विथ ए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो देन वी फाइंड ए इज इक्वल्स टू वन बी इज इक्वल्स टू जीरो एंड सी इज इक्वल्स टू माइनस फोर हंड्रेड यहाँ पर बी की वैल्यू जीरो क्यों आई क्योंकि एक्स वाला टर्म ही नहीं है यहाँ पे सो so, हम इसको एक्स वाले टर्म को जीरो इंटू एक्स बोल सकते हैं इसीलिए बी का कोफिश बी कोफिशियंट हमारा जीरो आ गया ओके ए इज इक्वल्स टू वन बज इक्वल्स टू जीरो एंड सी इज इक्वल्स टू माइनस फोर हंड्रेड देन डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल्स टू जीरो स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस फोर हंड्रेड जीरो स्क्वायर जीरो हो गया और माइनस माइनस प्लस फोर इंटू फोर हंड्रेड सिक्सटीन हंड्रेड तो हमारी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू सिक्सटीन हंड्रेड आई विच इज ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन ज़ीरो दैट मीन्स डी इज ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंग इक्वेशन के रूट्स रियल और डिस्टिंक्स है सो इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन सच टाइप ऑफ मैंगो ग्रो इस टाइप का मैंगो ग्रो हम डिज़ाइन कर सकते हैं सो देन बाई कॉर्डरटिक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू एके यहाँ पर हमारा एक्स एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए है वैल्यू रख दो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस जीरो प्लस माइनस अंडर रूट सिक्सटीन हंड्रेड बाई टू इन टू वन That मीन्स माइनस जीरो मतलब जीरो हो गया सो प्लस माइनस फोर्टी सिक्सटीन हंड्रेड का स्क्वायर रूट फोर्टी हो गया तो प्लस माइनस फोर्टी बाई टू देट मीन्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ट्वेंटी सो एक्स की वैल्यू प्लस ट्वेंटी एंड माइनस ट्वेंटी एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी हमको प्लस ट्वेंटी एंड माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी इज रिजेक्टेड भाई बिकॉज एक्स इज द ब्रिथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रो एंड ब्रिथ कैन नॉट बी इन नेगेटिव फॉर्म सो एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेंटी रिजेक्टेड ओके सो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी रिजेक्टेड एंड एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी एक्सेप्टेबल सो द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो इज इक्वल्स टू लेंथ टू एक्स मींस टू इन टू ट्वेंटी फोर्टी मीटर एंड ब्रिड एक्स मीन्स ट्वेंटी मीटर सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ मैंगो ग्रो इसमें हमको पहले सिचुएशन डिसाइड करनी है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं और पॉसिबल है तो उसके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देअर प्रेजेंट एजेस कंडीशन इज द सम ऑफ द एजिस ऑफ टू फ्रेंड्स इज ट्वेंटी ईयर्स फोर ईयर्स है गो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिस इज इज इन ईयर्स वॉज फोर्टी एट ओके क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि दो फ्रेंड्स हैं उनके एजेस का सम ट्वेंटी ईयर्स हैं तो फोर ईयर्स है गो चार साल पहले दोनों के जितने भी एजेस थे उनका प्रोडक्ट फोर्टी एट ईयर्स हैं देन प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करने हमको, possible, है हमको इफ पॉसिबल ठीक है तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे टू फ्रेंड्स हैं तो एक फ्रेंड का एज हम लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर्स ठीक है फर्स्ट फ्रेंड की प्रेजेंट एज हमने एक्स ईयर से ज्यूम की एंड कंडीशन इज गिवन सम ऑफ ऑफ एजेस टू फ्रेंड्स इज ट्वेंटी ईयर देयर फॉर प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड सेकेंड फ्रेंड का प्रेजेंट एज ट्वेंटी माइनस एक्स ईयर्स होगा ओके सेकेंड फ्रेंड का एज ट्वेंटी माइनस एक्स हो गया नाउ फोर ईयर्स एगो चार साल पहले चार साल पहले एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड फर्स्ट फ्रेंड का एज एक्स था तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस फोर ईयर्स एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड सेकेंड फ्रेंड का एज प्रेजेंट है ट्वेंटी माइनस एक्स तो चार साल पहले ट्वेंटी माइनस एक्स माइनस फोर ईयर्स दैट मीन्स सिक्सटीन माइनस एक्स सिक्सटीन माइनस एक्स ईयर्स ओके ना गिवन देट प्रोडक्ट ऑफ एजिस बिफोर फोर ईयर्स फोर्टी एट ईयर्स ठीक है सो so, x माइनस फोर इंटू सिक्सटीन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू फोर्टी एट होना चाहिए तब हम ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटीन एक्स माइनस फोर इंटू सिक्सटीन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू सिक्सटीन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू सिक्सटीन माइनस सिक्सटी फोर एंड माइनस फोर इंटू माइनस एक्स प्लस फोर एक्स इज इक्वल्स टू फोर्टी एट ओके okay, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट इधर नेगेटिव है तो यहाँ लेफ़्ट साइड के सारे टर्म्स हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे सो जीरो इज इक्वल्स टू फोर्टी एट माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटी फोर माइनस फोर एक्स ओके ना एक्स स्क्वायर अब से माइनस सिक्सटीन एक्स माइनस फोर एक्स कितना हो गया माइनस ट्वेंटी एक्स एंड फोर्टी एट प्लस सिक्सटी फोर प्लस वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ओके देन आवर इक्वेशन इज Our equation is x square minus 20x plus 112 equals to zero. Okay, this is our quadratic equation. Compare it with general equation ax square plus bx plus c equals to zero. We get a is equals to one, b is equals to minus 20, and c is equals to 112. Okay, now find the discriminant d. b square minus 4ac. b square minus 4ac. That means minus 20 square minus 4 into 1 into 112. एंड माइनस ट्वेंटी स्क्वायर हो गया फोर हंड्रेड एंड फोर इंटू वन हंड्रेड ट्वेल्व माइनस फोर फोर्टी एट अब फोर हंड्रेड में सिर्फ माइनस फोर फोर्टी एट माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस फोर्टी एट ओके वैल्यू हमारी क्या आई माइनस फोर्टी एट विच इज़ लेस देन ज़ीरो लेस देन ज़ीरो है मतलब वैल्यू ऑफ डी डिस्क्रिमिनेंट डी इज़ लेस देन ज़ीरो डिस्क्रिमिनेंट डी इज़ लेस देन जीरो दैट मीन्स रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट रियल इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है सो गिवन कंडीशन विल बी नॉट पॉसिबल ठीक है ये जो कंडीशन गिवन है ये पॉसिबल नहीं है और हम इसके वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकते ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर एट्टी मीटर एंड एरिया फोर हंड्रेड मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ तो अब हमको यहाँ कंडीशन क्या गिवन है uh, कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर एट्टी मीटर दिया है और एरिया एट हंड्रेड फोर हंड्रेड मीटर स्क्वायर गिवन है सो दिस टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हम हम फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं यदि फॉर्म कर सकते हैं तो उसका लेंथ और ब्रिथ फाइंड आउट करना है ओके तो फर्स्ट वी एज्यूम द ब्रिथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स मीटर रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रिथ एक्स मीटर और हमको पैरीमीटर कितना गिवन है एट्टी मीटर तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है टू इंटू लेंथ प्लस ब्रिड इज इक्वल्स टू एट्टी मीटर हमको गिवन है पेरीमीटर एट्टी मीटर मैन मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर टू इंटू लेंथ प्लस ब्रिड इज इक्वल्स टू एट्टी मीटर ओके देन टू से टू मल्टीप्लीकेशन में है ये तो टू से हम डिवाइड कर सकते हैं टू से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा लेंथ प्लस ब्रिड इजिक्वल्स टू फोर्टी मीटर ओके तो लेंथ लेंथ इज इक्वल्स टू फोर्टी माइनस ब्रिथ लेंथ ऑफ पार्क फोर्टी माइनस ब्रिड हो जाएगी तो फोर्टी माइनस एक्स मीटर तो रेक्टेंग रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रिथ हमने एक्स एज्यूम की थी और अब हमने लेंथ फाइंड आउट किया है पैरामीटर की हेल्प से फोर्टी माइनस एक्स मीटर अब हमको गिवन क्या है एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू फोर हंड्रेड मीटर स्क्वायर पार्क का एरिया फोर हंड्रेड मीटर स्क्वायर है दैट मीन्स लेंथ इन टू इज इक्वल्स टू फोर हंड्रेड लेंथ है फोर्टी माइनस एक्स ब्रिड एक्स is equals to 400. Now multiply 400, 40 minus x into x, 40 minus x square is equals to 400. So 0 is equals to 400 minus 40x plus x square. Our equation is x square minus 40x plus 400 equals to 0. ठीक है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ अब इसका हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से तो एज इक्वल्स टू हमारा कितना मिल रहा है वन एंड बी इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू वन बज इक्वल्स टू माइनस फोर्टी एंड सी इज इक्वल्स टू फोर हंड्रेड सो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट मीन्स माइनस फोर्टी स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू फोर हंड्रेड इज इक्वल्स टू सिक्सटीन हंड्रेड माइनस सिक्सटीन हंड्रेड इक्वल्स टू जीरो मतलब डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू कितनी आ गई जीरो हियर डी इक्वल्स टू जीरो दैट मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट्स कैसे हैं इक्वेशन के रियल है और इक्वल है और रियल है दैट मीन्स इट इज पॉसिबल टू डिज़ाइन सच ए रेक्टेंगुलर पार्क यदि रूट्स रियल है तो हम रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन कर सकते हैं सो देन बाई कॉर्डरटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस फोर्टी प्लस माइनस अंडर जीरो बाई टू इंटू वन तो माइनस ऑफ माइनस फोर्टी मीन्स प्लस फोर्टी फोर्टी प्लस माइनस जीरो बाई टू अब प्लस माइनस जीरो जीरो ही होता है प्लस ले या माइनस ले तो हम ए, 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 x की वैल्यू कितनी होगी फोर्टी बाई टू मतलब x इज इक्ल्स टू ट्वेंटी एक्स की वैल्यू है ट्वेंटी है अब यहाँ एक्स की वैल्यू प्लस तो 20 तो, लेंगे तो भी ट्वेंटी आएगी वाई लेंगे तो जी माइनस लेंगे तो भी ट्वेंटी आएगी तो एक्स इसके इक्वल रूट्स क्या क्या आ गए ट्वेंटी ट्वेंटी ओके मतलब ब्रिड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एक्स मीन्स ट्वेंटी मीटर एंड लेंथ फोर्टी माइनस एक्स मीन्स फोर्टी माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी मीटर मतलब वो रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रिड दोनों सेम है मतलब वो रेक्टेंगुलर पार्क न है नहीं है वो स्क्वायर पार्क है हमारा उसकी दोनों लेंथ और ब्रिथ इक्वल है दैट मीन्स इट इज़ अ स्क्वायर पार्क ओके तो इस तरीके से हम कंडीशन uh, यदि हमको गिवन है तो हम क्वेश्चन uh, सॉल्व कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स अभी हमारी यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपको ये सारे क्वेश्चन होमवर्क के नोटबुक में सॉल्व करने हैं अब यहाँ पे मैंने सिर्फ दो ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है फिर आज हमारा ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखिए इवेल्युएट अंडर रुट सिक्स प्लस अंडर रुड सिक्स प्लस अंडर रुड सिक्स प्लस एंड सो ऑन तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है तो इसकी जो यदि हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम इसको एक्स के इक्वल एज्यूम करेंगे लेट एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रुट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस एंड सो ऑन इसको हम इक्वेशन वन दे देंगे ओके अब यदि मुझे ये सबसे बाहर वाला ये बाहर वाला जो अंडर रूट है इसको यदि हमको हटाना है तो इसके लिए दोनों साइड से हम स्क्वायर कर देंगे देखिए यदि हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस एंड सो वन इसका होल स्क्वायर ओके अब यदि ये स्क्वायर और ये बाहर वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिक्स प्लस अंडर उड सिक्स प्लस अंडर उड सिक्स प्लस अंडर उड ऑन मतलब ये जो वैल्यू आ गई अंडर उड सिक्स प्लस ये हमारे एक्स इक्वल इक्वली आ गई ना इसकी भी वैल्यू उतनी थी ये ये इन्फाइनाइटली है सिक्स प्लस अंडर उड सिक्स प्लस अंड्रोड ये इन्फाइनाइटली है तो इसमें से ये वाला एक सिक्स अलग भी हो जाएगा तो भी ये इन्फाइनाइट कंडीशन है तो इसको मैं एक्स बोल सकती हूँ सो so, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिक्स प्लस एक्स में लिख सकती हूँ इक्वेशन वन से ये सेकंड टर्म को हम यहाँ पे राइट right साइड के सेकंड टर्म को हम एक्स लिख सकते हैं ओके सो हियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फॉर्मड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया ओके okay. तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पे सम है माइनस वन सम माइनस वन और प्रोडक्ट माइनस सिक्स है देन मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स मिडल टर्म को हमने स्प्लिट किया एंड माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो अब फर्स्ट टू टर्म में से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस थ्री और लास्ट टू टर्म में से प्लस टू कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस थ्री देन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो सो एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो और एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो गिव्स एक्स इज इक्वल्स टू थ्री और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू देन रूट्स ऑफ इक्वेशन इज थ्री एंड माइनस टू मतलब जो हमको गिवन था वेल अंडर रूट एक्स अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स एंड सो ऑन इसमें उसकी वैल्यू या तो थ्री होगी या माइनस टू होगी ठीक है भी एक और एक क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स ये मोस्ट आई एम पे क्वेश्चन है पर जनरली सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसलिए क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस के लिए लिया है ओके क्वेश्चन इज इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो आर इक्वल देन प्रूव दैट टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू ज़ीरो तब ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसी में ऑलरेडी ए बी सी है तो हम जनरल इक्वेशन में कोफिशिएंट कैपिटल लिखेंगे कंपेयर इट विथ जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल्स टू जीरो वी गेट Capital A is equals to B minus C, capital A is equals to B minus C, capital B is equals to C minus A, and capital C is equals to A minus B. Okay. तो यहाँ पे देखिए ए बी कैपिटल ए बी सी हमने डिसाइड कर लिया ना आ, हमको गिवन रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल यदि रूट्स इक्वल है दैट मीन्स डी इज इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट डी दैट मीन्स कैपिटल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए अब हम कैपिटल ए बी सी की वैल्यू रख देंगे तो कैपिटल बी स्क्वायर दैट मीन्स बी माइनस सी होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो ओके okay, अब यहाँ पे बी सी माइनस ए होल स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है सी माइनस ए होल स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर को हम ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक्सपांड करेंगे सी स्क्वायर माइनस टू सी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस फोर माइनस फोर वैसे ही रखेंगे और बी प्लस सी बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी इक्वल्स टू जीरो अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे सी हियर फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करते समय इसके साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि यहाँ साइन प्लस है सो सी स्क्वायर माइनस टू सी ए प्लस ए स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा पर ये माइनस फोर अंदर मल्टीप्लाई होकर के साइन चेंज होंगे माइनस फोर ए बी माइनस माइनस प्लस फोर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर सी एंड माइनस फोर बी सी इक्वल्स टू ज़ीरो ओके अब इस टर्म में माइनस टू सी एंड प्लस फोर सी ए ये लाइक like टर्म्स है सिर्फ यही लाइक टर्म है बाकी सगड़े टर्म्स सारे टर्म्स डिफरेंट है ओके तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे सी स्क्वायर माइनस टू सी ए और प्लस फोर सी ए हो गया प्लस टू सी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस फोर ए बी प्लस फोर बी स्क्वायर माइनस फोर बी सी इक्वल्स टू जीरो बाकी सब हमने वैसे ही लिख दिया है ओके अब इसको हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे रीअरेंज करते समय देखिए हमने क्या किया ओके यहाँ पे फोर बी स्क्वायर को सबसे पहले लिखा यहाँ पे फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी माइनस फोर बी सी इसको यहाँ पे लिखा माइनस फोर ए बी माइनस फोर बी सी और ये सी स्क्वायर प्लस टू सी ए प्लस ए स्क्वायर इसको लास्ट में लिखा यहाँ पे इक्वल्स टू ज़ीरो अब इसको हम टोटल ए प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं देखिए माइनस फोर बी स्क्वायर को हम लिखेंगे टू बी का होल स्क्वायर ओके अब यहाँ पर माइनस फोर ए बी माइनस फोर बी सी इसमें से हमने माइनस फोर बी कॉमन लिया बचा क्या ए प्लस सी ठीक है अब लास्ट में जो दिया है प्लस सी स्क्वायर प्लस टू सी ए प्लस ए स्क्वायर इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया इक्वल्स टू ज़ीरो अब यहाँ देखिए माइनस टू बी स्क्वायर अब यहाँ पे फोर बी को म, 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 मैं क्या लिख सकती हूँ माइनस टू इंटू टू बी और ये प्लस सी को सी प्लस ए लिखा और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस टू सी ए प्लस ए स्क्वायर मतलब सी प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया आइडेंटिटी से ओके तब तो यहाँ पे हमारा आ, आ, ये कन्वर्ट हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये देखिए ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ठीक है तो a माइनस बी होल स्क्वायर थे ए इज इक्वल्स टू टू बी दिख रहा है और b इज इक्वल्स टू सी प्लस ए तो टू बी माइनस सी प्लस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो इसमें ये कन्वर्श कन्वर्ट हो गया अभी यदि हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर uh, कैंसिल हो जाएगा देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड टू बी इज इक्वल्स टू टू बी माइनस इन ब्रैकेट सी प्लस है इक्वल्स टू जीरो आ गया अब सी प्लस माइनस सी प्लस है लेफ्ट साइड राइट साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए तो टू बी इज इक्वल्स टू सी प्लस आएगा ये सी माइनस सी प्लस है इस साइड में ले आएंगे लेफ्ट साइड राइट साइड में देन टू बी इज इक्वल्स टू सी प्लस है और यही हमको प्रूव करना था ओके तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट है तो इसको एक दो तीन बार रिवाइज कीजिए आपको अप, समझ में आ जाएगा ओके तो ये सारे क्वेश्चन होमवर्क के नोटबुक में सॉल्व कीजिए और यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है रेफरेंस बुक से और बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे थैंक यू